Hello, welcome back to my channel. Myself Gauri, and yes, welcome back to my channel. So for today's video, I am going to review this foundation new launch, which is from Inside Cosmetics. That is HD foundation, high coverage DB finish वाला foundation. And yeah, तो इसका मैं full on review करने वाली हूँ, पूरा और पढ़ के पूरा. तो यार मैंने लगाया है, do let me know कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है. मुझे पसंद आया नहीं है, मेरे मूड पे बच जाना. मुझे नहीं अच्छा लगा तो भी मैं स्टार्टिंग में इंट्रो ऐसे फुल ऑन एनर्जी के साथ देती हूँ. तो या आदत यार, कोई ना कोई तो कमेंट कर ही देगा कि आप इतना या क्यों बोलते हो. आदत है यार, समझ लो. तो अभी फुल इसका रिव्यू देखना है, अगर आपको ये परचेस करना है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा. तो वीडियो में पूरा वीडियो देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसी और को भी शेयर करो, फ्रेंड्स को, कि ये वीडियो देख ले, तेरे को हेल्पफुल होगा. क्यों नहीं, उसको भी हेल्पफुल होगा, मुझे भी हेल्पफुल होगा. उसको पसंद आया तो वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगी ना. बहुत बड़बड़ कर दी मैंने. तो यार नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने कुछ भी मेरे फेस पे नहीं है, लाइक फुल ऑन बेयर फेस है. लाइक लुक अदर, अभी तक मैंने लिप बाम नहीं लगाया. तो लेट्स मॉइस्चराइज अ फेस. तो पहले लाइक जो मैं यूजुअली लगाती हूँ, पहले मैं लगा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं. एंड जस्ट कोई भी चीटिंग नहीं करना है, इसीलिए मैं आपके सामने मॉइस्चराइज कर रही हूँ. क्योंकि तो नाउ अभी हमारा स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दिस इज़ द फाउंडेशन जो आज हम फुल ऑन रिव्यू करने वाले हैं, विच इज़ इनसाइड एचडी हाई कवरेज फाउंडेशन. तो ये कुछ ऐसे आउटर पैकेजिंग में कुछ ऐसे आता है. तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें ऐसे चुटकू सा बहुत क्यूट सा ट्यूब मिलता है. ट्यूब फॉर्म में आता है ये. एंड दिस फाउंडेशन डिटेल्स फॉर 235 rupees ओनली, विच इज़ लाइक अफोर्डेबल. बट जितना लाइक इट वी गेट 20 ml ऑफ अ प्रोडक्ट, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना पता नहीं है लाइक 20 ml कितना होता है एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई एम इन द शेड L&10 एंड इसमें फुल ऑन टोटल 6 शेड आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, 6 शेड्स आते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाई कवरेज, इट सेज डी वी फिनिश हाई कवरेज, फ्री ऑफ पैराबेन, लाइट वेट फॉर्मूला एंड फ्रेगरेंस फ्री है, विच इज़ सो गुड. मुझे लाइक मुझे फ्रेगरेंस से बहुत सख्त नफरत है, स्पेशली मेकअप में. जस्ट फॉर योर लाइक मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी अपने फाउंडेशन जब भी मैं लगाती हूँ तभी भी लाइक तभी फॉर फाउंडेशन या फिर फॉर कंसीलर मैं कोई भी ब्रश नहीं यूज़ करती, तो आई जस्ट यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर. तो आपको वो ध्यान में रखना होगा. एंड जैसे कि मैंने बोला, आई एम इन दिस शेड L&10 एंड ये यहाँ पे ओके. तो आपको सिर्फ आउटर पैकेजिंग पे ही आपको आपका शेड नेम मिल जाएगा, इस पर नहीं दिया है. तो मेक श्योर अगर आपको ध्यान में रखना है तो आपको ये भी साथ में रखना पड़ेगा, जिसका यूजलेस है. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी पैकेजिंग. तो यार कुछ बहुत क्यूट सा है, लाइक ये हाथ भर भी नहीं है लोग का दार, ये इतना ही है. तो लाइक आई सेड ऑलरेडी कि मेरी स्किन पे अभी कुछ भी नहीं है, फुल बेयर स्किन है मेरी. तो लेट्स सी कि इसका फॉर्मूला कैसा है. तो मैं यहाँ पे बैक ऑफ द हैंड पहले ले लेती हूँ. एंड आई एम नॉट श्योर ये मेरा शेड है कि नहीं, जैसे कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है. ओके, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है. एंड ओके, आई थिंक काम चला लेंगे. तो कुछ ऐसा है, मेरे इधर ये है लाइक टैटू है. तो लेट्स पहले कर देख लेते हैं, पेस्ट कर दूँ, बट इट्स ओके. तो यहाँ पर टैटू है, लेट्स सी ये हाइड करता है कि नहीं, इससे अंदाज़ा लगा सकते लाइक. तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ट्राई कर लेते हैं. ओके, ब्यूटी ब्लेंडर ने सोक कर लिया एज यूजुअल. बट या आई थिंक अच्छा खासा कवरेज देगा ये, लुक एट दैट. अरे इतना मैंने वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग में ही. ओके, तो आपने इसका फॉर्मूला देखा, बहुत अच्छा है, बहुत बटरी है, बहुत स्मूथ है. तो अगेन मैं डायरेक्टली नहीं अप्लाई करती, तो पहले बैक ऑफ द हैंड लेंगे एंड पहले हाफ ऑफ द फेस लाइक राइट साइड पर अप्लाई करके देखते कि तो डिफरेंस समझ में आएगा आप एंड मुझे भी. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले अच्छे से इवनली हर जगह लगा देंगे लाइक दिस. एंड नाउ विद हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन. ओके, इट हैज कवरेज, लुक एट दैट, अच्छा खासा कवरेज है. ओके, एंड मैं कोई भी फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं करने वाली हूँ, मैं रियल टाइम में आपको दिखाने वाली हूँ कि ये ब्लेंड कैसे होता है. ज़्यादा बिल्कुल भी लाइक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है. एंड ब्यूटी ब्लेंडर रह के ये कुछ ज़्यादा सोकअप नहीं कर रहा है मेरा फाउंडेशन, जैसे हाथ पे क्या लग रहा था, बट अच्छा खासा कवरेज दे दिया इसने, लुक एट दैट. एंड ये ड्यूवी
लाइक मैंने कोई भी हाइलाइटिंग प्राइमर वगैरह नहीं लगाया था, लाइक आपके सामने ही लगाया, राइट? तो लुक एट दैट, वाओ, एंड ये एग्जैक्ट मेरा स्किन शेड का है, ओह माय गॉड, मेरा टोन का है, लुक एट दैट. छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग, लाइक अगर आप भी उनसे रिलेट कर पा रहे हो, पता नहीं, जब कोई शेड राइट आता है तो आई एम श्योर आपको पता होगा ये खुशी क्या होती है. वाओ, इसका फिनिश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लुक एट दैट, बहुत अच्छा ड्यू फिनिश दे रहा है. जैसे कि मैं बोला कि आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं ब्रश नहीं, ब्रश से अप्लाई नहीं करती, बट लेट्स सी कि यहाँ पे ब्रश से कैसे एप्लीकेशन आती है, लेट्स ट्राई. ओके, तो फॉर दिस साइड अगेन, जैसे कि यहाँ लगाया था वैसे, एंड अगेन मैं प्राइमर भूल गई, मेक श्योर प्राइमर लगाना, उससे आपका मेकअप ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा बताती हूँ. तो अभी लेट्स सी कि ये ब्रश से कितना कवरेज देता है. मेरे पास ये ब्रश है, ज़्यादा यूज़ नहीं करती जैसे कि मैंने बोला, तो मेरे पास है भी नहीं, बट लेट्स ट्राई. मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है ब्रश से लगाने का, मुझे आदत ही नहीं है ना इसीलिए. ओ लुक एट दैट, ज़्यादा कवरेज मिल रहा है. वाओ, आई लव दिस फाउंडेशन. अभी से मेरे पास एक इनसाइड का पहला वाला भी है, जो स्किन लाइक सेकेंड स्किन फाउंडेशन, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ नाम का फाउंडेशन, लाइक उसका कवरेज भी नहीं है. आई एम श्योर अगर आपने यूज़ किया है ना, आपने कभी भी लाइक मेरा रिव्यू देखा तो आपको पता होगा कि वो फाउंडेशन कुछ भी, लाइक लुक एट दैट, लुक एट दिस, आपको थोड़ा लाइक दिख रहा है अंदर मेरा ये स्किन, मेरी बहुत थिन स्किन है, तो आपको यहाँ पे मेरी वेन्स दिख रहे हैं, लुक एट दैट, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है बट बहुत कम दिख रहा है, लुक एट दैट, तो इतना लुक, वाओ लुक एट दैट, यहाँ पे कितना ज़्यादा कवरेज मिल रहा है, यहाँ पे कितना कम मिल रहा है, लुक एट दैट, तो इसने अच्छा खासा कवरेज दे दिया, लुक एट दैट. एंड नॉट टू ब्लेंड एवरीथिंग इन, मैं जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा डैब 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 जो भी बोलते हैं वो करके थोड़ा सा लाइक इवन दिखना चाहिए इसीलिए, बट अभी तक तो इट्स लाइक आई लव दिस फाउंडेशन, बहुत ही लाइक अफोर्डेबल है ना, अभी तक जैसे काम कर रहा है, एक स्किन लाइक लग रहा है, लुक एट दैट, ये मेरी एक्चुअल स्किन है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, लुक एट दैट, एंड ड्यू लुक भी दे रहा है, लाइक ड्यू फिनिश है, लुक एट दैट, इधर ड्यूनेस है, इधर भी ब्रश से लगाया तो भी ड्यू लग रहा है. आई लव दिस फाउंडेशन, अभी तक मुझे लाइक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये लाइक मेरा रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली क्यों नहीं, बट देन आई थॉट कि बहुत लोग होते हैं जो यूट्यूब भी जाते हैं देखने के लिए, लेने से पहले भले वो 200 को या फिर 100 का हो, तो मैं भी उनमें से हूँ. तो मैंने बोला यार एक जन को भी हेल्प हो जाती है तो वाई नॉट, है ना, तो मैंने बोला फटाफट मैंने ऑर्डर कर दिया, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ये मेरा शेड है कि नहीं, क्योंकि कंसीलर भी मैंने LN10 में ही मंगाया था, तो वो थोड़ा सा लाइट था, तो आई थिंक कंसीलर एक बहुत ही लाइट है, बट फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में बहुत खुशी हो रही है, एंड टैकिन भी नहीं लग रहा, तो अभी तक तो आई लव दिस, लाइक 10/10 अभी तक. तो लेट्स सी आगे क्या होता है, फुल फेस करके देखते हैं, सबमिट करेंगे, फुल शेयर करूँगी मैं आपके साथ, डोंट वरी. तो जस्ट टू बी ऑन फेयर साइड, तो हम लाइक फाउंडेशन का काम है फुल फेस पे काम करना, लाइक यहाँ पे फेस पे, एंड कंसीलर का काम है अंडर आइज पे काम करना. तो मैं फाउंडेशन को एज अ कंसीलर बिल्कुल नहीं अप्लाई करने वाली, जैसे यूजुअल वे में हम करते वैसे करेंगे. तो मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन HD कंसीलर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, एंड अगेन इट्स इन द शेड LN10. आई एम श्योर इस पे नहीं दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सही है. अगर आपको जानना है ये कैसा वर्क करता है तो मेक श्योर आप देखना, लाइक मैंने इस पे वीडियोज़ बनाया, लॉन्ग वीडियो भी बनाया, शॉर्ट वीडियो भी बनाया, एंड या ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है. अगेन इट्स नॉट अबाउट कंसीलर, तो मैं फटाफट ब्लेंड कर देती हूँ. तो आई हैव डन माय कंसीलिंग, लाइक आप देख सकते हो अच्छा खासा कंसीलर है. तो नाउ आई एम गोइंग टू सेट माय कंसीलर इन प्लेस अगेन. एंड दैट्स इट, मैं अपना टी जोन एरिया भी, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कंसर नहीं लगाया, जस्ट टू सी कि यहाँ क्रीज होता है कि नहीं फाउंडेशन, यहाँ पे केकी होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे हैं जो मेरे यहाँ पे, ये मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो मुझे यहाँ पे क्रीज होता है, बट लेट्स सी. तो मैं यहाँ पे यूजुअल डेज पे यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करती हूँ, बट आज नहीं किया, जस्ट टू सी कि लाइक फाउंडेशन इट्सेल्फ कैसे काम करता है, दैट्स. तो अगेन होल फुल फेस में बिल्कुल भी सेट नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है, तो ना ना तो जस्ट सेट कर देंगे. अभी तक लुक एट दैट, बहुत अच्छा लग रहा है स्किन,
यहाँ पे थोड़ा किक हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट लुक एट दैट. अभी तक तो यहाँ पे मुझे थ्रेडिंग की जरूरत है. ओके, लुक एट दैट. अभी तक बहुत डीवी लग रहा है स्किन, बहुत स्किन लाइक लग रहा है. लुक एट दैट, बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. तो एक लेयर हमने अप्लाई कर दी, लेट्स सी कि सेकेंड लेयर में ये कितना फुल कवर देता है. अब मुझे याद आया तो लेट्स वो भी ट्राई कर लेते हैं. आई एम श्योर बहुत लोगों को एक्ने के इश्यूज़ होते हैं, तो वो लोग डबल लेयरिंग कर लेते हैं. मैं नहीं करती, बट डेमो देना है आपको, रिव्यू देना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता. तो जस्ट यहाँ पे अगेन एंड यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू स्टार्ट डैबिंग द प्रोडक्ट. लुक एट दैट, नाउ इट्स फुल कवरेज. वो आई लव इट. तो जस्ट लुक एट वो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फाउंडेशन, टू बी ऑनेस्ट. एंड 230 या 235 रुपीज़ में, और क्या चाहिए आपको. वाह, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट होने वाला है फॉर श्योर. आई एम श्योर, फॉर श्योर, आई एम श्योर. सी इसीलिए ना आपको हमेशा हाई एंड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप अच्छे से ढूंढोगे ना. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स ही काम करते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स ही, लाइक जो 1000 रुपीज़ को या फिर 600 या फिर 700, किसी किसी के लिए 600 भी अफोर्डेबल है, किस किस के लिए, किन किन लोग के लिए 1000 रुपीज़ अफोर्डेबल है. तो सबका प्राइस लाइक सबका अलग होता है कि किसके लिए क्या अफोर्डेबल है, किसके लिए क्या नहीं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही अच्छा वर्क करते हैं, फ्लॉलेस फिनिश देते. लुक एट दैट, मैंने अभी आपके सामने ये लगाया कितना फ्लॉलेस फिनिश दिया है इसने, एंड बहुत अच्छा लग रहा है. एंड जैसे कि ये क्लेम कर रहा है लाइट वेट, इट्स सुपर लाइट वेट. मैंने सेकंड लेयर भी लगाई है अभी, बट ये बहुत लाइट वेट लग रहा है. अभी तक इसका ड्यूवीनेस है, लुक एट दैट. तो और इसमें आपको क्या चाहिए. एंड आई एम श्योर अगर आपके एक्ने स्किन प्रोन स्किन है, आपको अपने आपके एक्ने मार्क्स भी आपको अगर हाइड करने, तो इससे डेफिनेटली होंगे. तो आई एम तो हाईली हाईली इम्प्रेस्ड, लाइक 10/10 फॉर दिस फाउंडेशन, 10/10 अभी तक. तो जैसे कि मैंने अपना फेस सेट कर लिया था, लाइक अंडर आई सेट कर लिए थे कंसीलर से एंड पाउडर से भी. तो आई विल जस्ट फिनिश माय फुल फेस एंड आई विल बी राइट बैक. तो आई वाज जस्ट डूइंग माय फुल फेस जैसे कि मैंने बोला, एंड एक आइडिया दिमाग में आया, एंड आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स ट्राई दिस लिप एंड चीक टिंट. लाइक ये क्रीम फॉर्म में है, तो लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है. आई एम नॉट श्योर कि ऐसे टेस्ट करते हैं कि नहीं, बट दिमाग में आया तो कर लेते, क्या ही जाएगा. तो मैं इसे लाइक जैसे यूजुअली करती हूँ वैसे, एंड लेट्स सी कि फाउंडेशन जगह से हिलता है या नहीं हिलता है, कि बस बस ले. तो मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर पे लूँगी एंड लेट्स सी आया कि नहीं आया. ब्रो दिख रहा है? ओह दिख रहा है, ओके. नहीं हिल रहा अभी तक, तो नहीं हिला. एंड अगेन ऐसे ऐसे नहीं करना है, वैसे ऐसे करोगे तो निकलना ही है. तो थोड़ा सा मैं पहले गिर गया, ब्यूटी ब्लेंडर नीचे गिर गया. तो पहले मैं बैक ऑफ द हैंड लेके थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, लुक एट दैट ऐसे. तो बैक ऑफ द हैंड ले लिया है, तो एंड लेट्स सी कि अभी ये अप्लाई होता है अच्छे से या नहीं होता है पिगमेंटेशन. एंड या लुक एट दैट, लाइक बहुत नेचुरल लग रहा है. इसने बिल्कुल भी फाउंडेशन जगह से नहीं हिला, लुक एट दैट, नाइस. मतलब फाउंडेशन अच्छा है, लाइक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लाइक डिस्टर्ब नहीं हुआ है. आई मीन लुक एट दैट. एंड अच्छा एक फ्लश ऑफ कलर, आई डोंट नो व्हाई दिख नहीं रहा है कैमरा में ज़्यादा. आई थिंक ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा ले लेते हैं. ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया ऐसे फाउंडेशन को रिव्यू करते नहीं करते, बट कुछ अलग डिफरेंट ट्राई तो करना चाहिए. तो आप सब्सक्राइब नहीं करते वैसे भी, तो ये थोड़ा एफर्ट देख के मे बी आप कर लो. तो लाइक लुक एट दैट, बहुत अच्छा फ्लश ऑफ कलर भी लग रहा है. आई नो इट्स अबाउट फाउंडेशन, तो लुक एट दैट, बिल्कुल भी लाइक फाउंडेशन हिल नहीं रहा जगह से. एंड अगेन रगड़, जैसे कि मैंने बोला रगड़ोगे तो निकलेगा ही, बट लुक एट दैट, नाइस. आई लव दिस फाउंडेशन. आई एम श्योर अभी आने वाले वीडियोज़ में अगले आप देखोगे मैं ये फाउंडेशन बहुत यूज़ कर रही हूँ. एंड अगेन अगर मैं ज़्यादा बार यूज़ करती हूँ, आपको ज़्यादा वीडियोज़ में दिख रहा है कि मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इट्स श्योर लाइक कि वो मेरा फेवरेट हो चुका है. एंड लुक एट दैट, वाओ. सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन आफ्टर 30 मिनट्स, लाइक 30-45 मिनट्स. खाना भी ना खा के मैं फटाफट आ चुकी हूँ. लुक एट दैट, लिपस्टिक की भी धज्जियाँ उड़ चुकी है. ओके एंड लास्ट वर्डिक्ट मेरी, आई लव दिस फाउंडेशन. आई नो इतने जल्दी लाइक डिसाइड करना ये नहीं होगा, लाइक रिव्यू लाइक ज़्यादा देर तक या
इसका लॉन्गिविटी जो भी कहते हैं वो अभी तक टेस्ट नहीं किया मैंने अच्छे से, बट अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन आई लव दिस फाउंडेशन, लाइक लव टोटली एंड लव फाउंडेशन. कहाँ गया, कुटे गया. ओके तो यहाँ पे है मेरा फाउंडेशन एंड आई एम अगेन, मैं बता रही हूँ आई एम इम्प्रेस. यहाँ पे लिखा है हाई कवरेज एंड डीवी फिनिश. लुक एट दैट, डीवी फिनिश अभी तक दे रहा है. लाइक है इसमें डीवीनेस है एंड हाई कवरेज. लाइक आई विल नॉट से लाइक फुल ऑन हाई है, मेरे लिए इट्स हाई कवरेज. लाइक हाँ मेरे लिए हाई कवरेज है, मैं इतना भी कवरेज मुझे लाइक मैं नहीं वेयर करती, बट ये बहुत एंड लाइक इट सेज लाइक लाइट वेट फ्रेगरेंस फ्री. बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है विच लाइक मेरे लिए तो क्या बोलते हैं टर्न ऑन चीज़ें है ये. लाइक कोई भी फाउंड लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स में अगर मुझे फ्रेगरेंस नहीं मिलती है ना तो मुझे तो वो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते ना मुझे वही पसंद आ जाती है, तो वो तो पसंद आना ही था. एंड अगेन यहाँ पे लाइक एक्चुअल प्रोडक्ट पे यहाँ पे बिल्कुल भी लाइक शेड नंबर या कुछ भी नहीं दिया है, बट आउटर पैकेजिंग पे आपको प्राइस मिल जाएगा कितने 1, 2 जैसे कि मैंने बोला 6 शेड्स आते हैं. फर्स्ट आता है LN10 जो मैंने लिया था, फेयर टू लाइट स्किन विथ न्यूट्रल अंडरटोन. तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट मैच है, लुक एट दैट बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत ही केकी हो गया है. एंड इसमें 6 शेड्स आते हैं अगेन. एंड जैसे कि मैं बता रही हूँ इसने क्लेम किया था हाई कवरेज, लाइक लिखा है मैं वही बता रही हूँ, हाई कवरेज डीवी फिनिश हाई कवरेज फ्री ऑफ पैराबेन लाइट वेट फॉर्मूला एंड फ्रेगरेंस फ्री. आई लाइक जो भी इसने सब जो क्लेम किया है वो सब सच है, बिल्कुल सच है. मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक का. एंड 30 मिनट्स हो गए इसने मुझे ना यहाँ पे लाइक सबके प्रॉब्लमेटिक्स एरिया अलग होते हैं, तो मैं अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया मेरे यहाँ पे ना फाउंडेशन ऐसे बैठ जाता है एक जगह पे ना, यहाँ से हिलता नहीं. बट लुक का बिल्कुल भी यहाँ पे फाउंडेशन केके नहीं हुआ है, यहाँ पे भी बिल्कुल भी नहीं हुआ. अभी पसीना आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया लगा के एंड बहुत गर्मी भी है इसीलिए. एंड या लुक एट दैट, बहुत ही अच्छा कवरेज दिया लुक एट दैट, बहुत स्किन लाइक फिनिश दिया इसने. लुक एट दैट मेरी वेंस अभी भी विजिबल है, तो जब भी मेरी वेंस विजिबल होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल लगता है. तो ये इसका कवरेज ऐसा लुक एट दैट, बहुत ही अच्छा डिवीनेस दिया लुक एट दैट, बहुत अच्छा डिवीनेस है एंड बहुत फ्रेश लग रहा है, मतलब सच में फ्रेश लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो मेरी तरफ से तो इट्स अ 10 on 10. तो अगर तो फ्रॉम माई साइड माई पॉइंट ऑफ व्यू आई लव दिस फाउंडेशन. इसकी लाइक 20 ml मिलती है, आई एम नॉट श्योर जिसकी मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आता 20 ml कितना कम होता है कितना ज़्यादा होता है, बट या एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से 235 आई गेस. हाँ 235 के हिसाब से इट्स अ बैंक ऑन फाउंडेशन, बैंक ऑन 235 बहुत रीजनेबल प्राइस है. एंड ऐसे फिनिश के लिए तो इट्स अ बैंक ऑन. एंड आपको ये 2024 में एक्सपायर होगा, तो आपको 2 years का ये मिल जाता है, तो 2 years की आई एम नॉट श्योर, मुझे 1 year में भी ये 6-7 months में जितना कि मैं रिव्यू वगैरह करती हूँ उसमें खत्म हो जाएगा. एंड आई एम श्योर आप मुझे आगे देखोगे ये यूज़ करते हो. अगर आप मुझे नहीं देखोगे तो इसका मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा. एंड अगर आप देख रहे हो शॉर्ट वीडियोज़ में भी यहाँ पर डालती रहती हूँ, तो अगर आप देख रहे हो कि मैं ऐसे ये फाउंडेशन लगा रही हूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली मुझे पसंद आया. एंड आई एम श्योर मैं इसे यूज़ करने वाली क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है. एंड इसका लुक एट दैट क्यूट पैकेजिंग, लुक एट दैट क्यूट पैकेजिंग, आई लव दिस. लाइक बहुत स्लीक है, बहुत अच्छा है. आउटर पैकेजिंग की कुछ ज़रूरत नहीं होती, हम उसे फेंक ही देते. तो या तो ओवरऑल आई लव दिस फाउंडेशन एंड फ्रॉम माई साइड इट्स अ 10 on 10 बैंग ऑन. अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आग बंद करके ले लो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट है. एंड आप इसे डेली अगर आपको ज़्यादा फुल कवरेज नहीं चाहिए, लाइक जैसे कि ये क्लेम करता है फुल कवरेज, ये है नहीं हाई कवरेज, बट आपको लाइक ज़्यादा नहीं चाहिए थोड़ा सा कवरेज, तो आप एक दो डॉट लगा के बस अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो. आप हाथ से भी लगा सकते हो, लेट मी टेल यू, मैं भी बहुत बार हाथ से लगा, टाइम नहीं होता तब, तो आप सिर्फ हाथ से भी लगा सकते हो, तब भी बहुत अच्छा फिनिश देगा ये. अगर एंड अगर आपको ज़्यादा ही फुल कवरेज चाहिए, तो एक बार लगा के आपको फुल नहीं मिल रहा है वो कवरेज, तो आप और एक लेयर लगा सकते हो, ऐड ऑन कर सकते. मैंने 2 layer लगाया, बट लेट मी टेल यू मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने 2 layers लगाई है, इतना लाइट वेट है. आई लव दिस फाउंडेशन, और क्या बोलूँ मैं, और क्या बोलूँ. तो या दैट वॉज माई ओवरऑल रिव्यू. पैकेजिंग बैंग ऑन, प्राइस पॉइंट बैंग ऑन, क्लेम्स जो लिखा है वो सच है कि नहीं बैंग ऑन, सब के सब सच है. एंड ओवरऑल रिव्यू बैंग ऑन, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मेक श्योर क्या मेक श्योर ले लो यार, 230 लाइक 235 में और क्या मिलेगा आपको. इनसाइड कॉस्मेटिक्स अभी जो लॉन्चेस हो रहे हैं ना इनसाइड कॉस्मेटिक्स के, वो तो बैंक ऑन ही हो रहे हैं. तो आई एम हाईली इम्प्रेस, मैंने बहुत बार बोल दिया. तो या दैट वॉज माई ओवरऑल रिव्यू. तो
और क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अच्छा है तो ले लो। तो यार दैट वाज माय ओवरऑल रिव्यू ऑन दिस फाउंडेशन विच इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, दैट इज एचडी फाउंडेशन, हाई कवरेज ड्यूवे फिनिश वाला फाउंडेशन। आई लव दिस फाउंडेशन टोटली, लाइक जैसे कि मैंने बोला सभी क्लेम्स पूरे करता है एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है। तो या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड आप मेरे शेड के आसपास हो तो मेक श्योर आप ये वाले ट्राई करना, बहुत अच्छा है एंड इट्स मैजिक। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो या दैट वाज माय ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते हो, पसंद नहीं आ रहा क्या? तो डिसलाइक दे दोगे या फिर लाइक तो दे दो, या लाइक दो दोगे तो पता चलेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड कमेंट भी करो, थोड़ा कनेक्ट करो यार, थोड़ा तो लाइक इंगेज हो, कनेक्ट करो। एंड ज़्यादा इंगेज करना चाहते हो, लाइक कनेक्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। मैं उसका लिंक हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड मैं इसका भी लिंक, ये फाउंडेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो भी चेक कर लेना। एंड लाइक दो उसे मोटिवेशन मिलता है। अभी कितना लेट हो रहा है रात की, तो अभी मैं ये जिस दिन आया है ना, ये दोपहर को आया है फाउंडेशन एंड मैं रात को बैठ रही फिल्म करने की। तो सोचो मैं बहुत दिल से कर रही हूँ ये चीज़, मुझे बहुत पसंद है करना। तो आप मोटिवेशन दे ही सकते हो और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, कुछ नहीं जाता। तो मेक श्योर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं और भी कोई लाइक फाउंडेशन मस्कारा जो भी आपको कुछ कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँ, तो मेक श्योर उसका लिंक दे दो मुझे। लिंक मत दो, मुझे बताओ कि ये ट्राई करो, डेफिनेटली मैं उसे ट्राई करूँगी। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाई।